महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें उद्धव ठाकरे गुट को त्याग करना पड़ा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 105 सीटों पर उतरेगी, तो वहीं उद्धव की सेना को 96 से 100 सीटें तक मिल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार को 85 के करीब सीटें दी जा सकती हैं। इस तरह साफ हो गया है कि उद्धव सेना कांग्रेस के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव में लड़ेगी। ये पूरा समझौता उद्धव सेना के त्याग के चलते संभव हो पाया है। हालांकि इससे पहले शिवसेना 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव सेना को 125 सीटें तो नहीं मिली, बल्कि कांग्रेस से भी कम सीटों पर राजी होना पड़ा। जबकि लोकसभा में इससे उलट स्थिति थी, जब उद्धव सेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 पर जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि इस स्ट्राइक रेट को ही सामने रखते हुए कांग्रेस ने उद्धव सेना को राजी किया कि वे कम सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव सेना के संजय राउत के बीच तो लंबी जुबानी जंग चलती रही थी। यहां तक कि संजय राउत ने कहा था कि वो मीटिंग में ही नहीं जाएंगे जहां नाना पटोले बैठे होंगे। फिर इन सब जुबानी जंग के बीच शरद पवार ने दखल दिया और उद्धव ठाकरे से बात की। कहा जा रहा है कि उनके करीब 2 घंटे की बातचीत ने पूरी स्थिति को संभाला। फिर कांग्रेस की दलील दी कि विदर्भ में उसका अच्छा जनाधार है, लेकिन उद्धव सेना की वहां स्थिति कमजोर है, ऐसे में उसका वहां की सीटों पर लड़ना नुकसान करेगा, वो भाजपा से सीधे मुकाबले में नहीं जीत पाएगी, इसलिए कांग्रेस को ही वहां मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इसके लिए लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट भी सामने रखा। अंत में उद्धव सेना को ये मानना पड़ा कि कांग्रेस ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस का कहना था कि अमरावती, नागपुर, रामटेक और पुणे जैसे इलाकों में उद्धव सेना की उपस्थिति कमजोर है, इसलिए यहां की सीटों पर हमें ज्यादा मौका मिले, जिससे जीत की भी संभावना बनेगी। वहीं उद्धव सेना ने अंत में बराबरी का भी प्रस्ताव रखा था। इसमें कहा गया था कि उद्धव सेना और कांग्रेस 100-100 सीटों पर उतरे, जबकि एनसीपी एसपी को 88 सीटें दी जाएं। इस पर भी कांग्रेस अड़ गई और अंत में 100 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस कैंडिडेट उतारने वाली है। वहीं उद्धव सेना को उससे 5-10 सीटें कम मिल सकती हैं। हालांकि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सीट शेयरिंग को लेकर नया बयान दिया है। सूची जारी कर दी गई है महाविकास अघाड़ी में, कब तक जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाएगा? महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास अघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट हो गई कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर, हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। इसमें आज 4 बजे तक हमारी पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी। काम कल रात को लगभग पूरा हो गया है और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। सर, महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है, क्या शिवसेना यूपीडी इस बार सीट शेयरिंग में 100 का आंकड़ा पार करेगी या क्या होगा, समीकरण क्या होगा? देश हमेशा ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है, अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है, और सेंचुरी को बहुत महत्व है। सर,